मेरा दरवाजा। हे भगवान, धरती से क्राइम खत्म करो ताकि मैं अपने घर में चैन से रह सकूं। मैं थक चुका हूं बार बार अपना लॉकअप शेयर करके। अम्मा तुम चुप रहो। गलत कर रही है मैडम, हम ला के छात्र हैं, कानून जानते हैं हम भी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये नए मेहमान कौन है? मैडम सर, ये खुलेआम लड़कियों को छेड़ रहे थे, लफंगा गिरी कर रहे थे, हाथ तक पकड़ लिया, इसलिए लॉकअप में डाले। क्या? या इससे घटिया काम करने वाले के साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करवा? निकाल अभी के अभी बाहर निकाल, वरना बेकार में यही बात मुझे गिड़गिड़ाकर कहनी पड़ेगी। मैडम सर, मुझे मजबूर मत करो इनके साथ ये मेरा लॉकअप शेयर करने के लिए। निकालो प्लीज प्लीज। सिर्फ माई लेवल, माई सीनियरिटी, माई डाइजेस्टिविटी, डिग्निटी। हाँ भाई भाई, डिग्निटी प्लीज प्लीज। अरे झूठ बोल रहे हैं सब, हमने नहीं किसी को छेड़ा वेड़ा। और अगर छेड़ा है तो है कोई सबूत आपके पास? कोई विटनेस, कोई कंप्लेन, कोई रिपोर्ट, कोई FIR है तो लाइए फिर। एक तो लड़कियों को छेड़ते हो, ऊपर से हमको कानून सिखाते हो तुम। करिश्मा सिंह, मैडम सर पक्का काम किया है इस बार, FIR भी अभी हो जाएगी। हमने पुष्पा जी को बोला था लड़कियों को साथ में, वो देखो आ गई पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पुष्पा जी, आपको करिश्मा मैडम ने कहा था ना लड़कियों को भी साथ मिलाना, अब भूल गई? नहीं नहीं, भूले नहीं हम। मैडम सर, वो लड़कियां FIR लिखवाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। हाँ, हमारे कुछ कहने सुनने से पहले ही वहां से चली गई। देखिए ना, अपनी किताब तक लेकर नहीं गई वो। एक काम कहा था पुष्पा जी आपको, एक काम आप वो भी ठीक से नहीं कर पाई तो हम क्या करते, जबरदस्ती पकड़ कर लाते उनको। हाँ तो उनको समझाना था ना पुष्पा जी की। मौका ही नहीं मिला ना हमको कुछ समझाने का, वो तो भाग गई ना वहाँ से। हाँ तो पकड़ना था ना भाग कर, उनको समझाना था, कितना जरूरी होता है FIR। आपको पता है ना हम ज्यादा भाग नहीं सकते, भागने से हमारी सांस फूलती है। तो फूलेंगी ना, जब पूरे शहर का गोलगप्पा लाके यहाँ बैठ के खाएंगी तो सांस नहीं फूलेगी। तो देखिए, हम कमाते हैं तो खाते, अपने खाते का खाते। अरे खत्म होगा कभी? क्या हुआ मैडम जी, नहीं हुई FIR, भाग गई लड़कियां। तो हमें क्यों यहाँ बंद करके रखा है? खोलिए लॉकअप, आजाद कीजिए हमें भी। अरे कोई अधिकार नहीं है आपको बिना रिपोर्ट के अंदर रखना, खोलिए दरवाजा। करिश्मा सिंह रुकिए, छोड़िए उन्हें। संतोष लॉकअप खोलो। चलो चलो चलो। इस बार भगवान ने जल्दी सुन ली। कैसा लगा डांस हमारा पुष्पा जी? क्या लगता है आपको कि इंटर महिला पुलिस थाना डांस कंपटीशन में हम भाग ले सकते हैं? भाग ले भाग ले। हाँ भाग ले। अरे पगले, भाग ले मतलब इस कंपटीशन में हिस्सा ले, जीता तू जीत जाएगा। अरे एक मिनट चुप रहो ना यार तुम। संतु जी, क्या लगता है आपको कि पर्सनली हम जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा डांस? देख चीते, डांस तो तेरा बहुत अच्छा है। थैंक यू। पर तू ये महिला पुलिस थाने के डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। का है? क्योंकि तू लड़की नहीं है, इस कंपटीशन में केवल महिला ही भाग ले सकती है, इसीलिए। तू जी, हम भी तो थाना के हिस्सा है ना? हाँ है, मगर डांस की टीम का नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कियां ही भाग ले सकती है। और अगर तुमको डांस करना है तो तुमको लड़की बनना पड़ेगा। बता, बनोगे लड़की? नहीं ना, तो फिर अभी बात खत्म, दोबारा मत पूछना। और तुम दोनों जाओ ना, अपना काम करो, हमें डांस प्रैक्टिस करने दो। और जाओ उस नकचड़ी को बुलाओ। हसीनो मैडम। कौन है नकचड़ी? कौन है? करिश्मा मैडम। हाँ तुम उसको बुलाओ, हम जा रहे हसीना मैडम को बुलाने। हाँ चलो, वरना जाके बोल देगी आपको नकचड़ी बोला। बड़ा मन था संतु जी के साथ नाचने का यार बिल्ले, इट वाज माय ड्रीम। वाज? अरे इज। अरे पुष्पा जी आईडिया देखी गई है ना, तू लड़की बन जा। काहे पगलेती करते हो बे तुम, काहे? हम लड़की बन जाएंगे तो शादी कैसे करेंगे संतु जी से? कैसे पुलिस में भर्ती किया तुमको?
अरे लड़की बन जाओ मतलब गेटअप चेंज करो, मेकअप करो, लड़की बन जाओ कोरियोग्राफर डांसर। हसीना मैडम बोल रही थी कि डांस सिखाने के लिए कोई कोरियोग्राफर चाहिए, तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये देखो डांसर कोरियोग्राफर नहीं। कैसे इतना सफल चोर बन गए भी तुम, कैसे हैं? कोरियोग्राफर बन भी जाएंगे तो संतू जी के साथ स्टेज पर चढ़कर नहीं नाच पाएंगे ना ससुरे। अरे स्टेज पर नाचना तो एक ही बार होगा लेकिन रिहर्सल बार बार होगा। संतोष जी ऐसे नहीं करते, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, बार बार टच होगा। और ये देखो तक दिन तक दिन ता, तक दिन तक दिन ता। लेकिन सर आप, सवाल ये है मिस मलिक कि बिना एफआईआर के तुम्हारे ऑफिसर ने उन लड़कों के साथ मारपीट की? क्योंकि वो लड़के उन लड़कियों को सरेआम सड़क पर छेड़ रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ, बस उन लड़कियों ने एफआईआर नहीं लिखवाया। हो सकता है डर गई हो, पुलिस के पास आने से कतरा रही हूँ। हमें मत सिखाओ मिस मलिक। अरे सरकार ने महिला पुलिस थाना क्यों खोला है बताइए भला? अरे महिलाएं आपके साथ अपनी बात शेयर कर सके, आपसे खुद के बात कर सके, आपसे अपनी कंप्लेंट बता सके, सारी चीजें इसलिए हैं। समझ गई? जब महिलाओं का काम ही नहीं होगा तो आपने महिलाओं का भरोसा ही नहीं जीता तो क्या आवश्यकता है महिला पुलिस थाने की बताइए? महिला पुलिस थाना बंद करके सामान्य पुलिस थाना खोल देते हैं? नहीं नहीं सर, आप बस हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, हम किसी भी कीमत पर एफआईआर लाएंगे और ये केस ऑफिशियली रजिस्टर करेंगे, बस 2 दिन। कीजिए मिस मलिक, वरना मजबूरन हमें ही कुछ करना होगा। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर, जय हिंद। मैडम सर। जी क्या हुआ मैडम सर? क्या हो सकता है करिश्मा मैडम? हमें समझ नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो कोई भी काम सोच समझ कर नहीं कर सकती। अब आपको हमारे दर्द का एहसास हो रहा है ना? हाँ, वो डांस प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाने आई थी। थाना बचेगा तो कंपटीशन होगा ना पुष्पा जी। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर, क्या बात है? बहुत इजी है करिश्मा मैडम। देखो पहले हाथ ऐसे और पैर ऐसे, फिर टर्न और हाथ अपने पास लाना, फिर एक वेव करके 2 बार चुटकी, ठीक है? ये तुमको आसान लगता है? ये इजी बोलती हो तुम? हाँ हाँ, आप भी कर सकते हो, करके दिखाओ। चलो आ जाओ, पैर ऐसे करो। एक मिनट रुको। हाँ, हाँ कैसे? पैर ऐसे ऐसे। हाँ, हाथ ऐसे ऐसे। फिर उड़ना नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। यहाँ हाँ, फिर टर्न और 2 बार ऐसे। अच्छा हटाओ यार, मैं हमसे नहीं होता है ये सब। हम नचा सकते हैं लेकिन हम ये नाच नहीं सकते हैं। थोड़ा इजी वाला बताओ, घूम लो। वाह क्या बात है, स्टाइल है भाई, मजाक थोड़ी है। इनके स्टाइल के चर्चे तो पूरे डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और हेडक्वार्टर तक पहुंची है इनके कारनामों की चर्चा। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मैडम सर को कॉल भी आया था, आने वाले 15 अगस्त को इनके कारनामों की वजह से इनको मेडल मिलने वाला है। नहीं सच्ची कांग्रेचुलेशंस। बाद में पुष्पा जी। हाँ जी, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमें कुछ ताना टाइप का मार रहे हैं? बताइए, इनको अभी भी लग ही रहा है मार रहे हम आपको ताना। ये जो बिना एफआईआर के आपने उन लड़कों को पीटा है ना, उस थप्पड़ की गूंज हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है। डीएसपी साहब का फोन आया था इनको, एफआईआर दर्ज नहीं हुई ना तो ये थाना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, वार्निंग मिली है सबको। मतलब डांस कैंसिल? हाँ संतू कैंसिल। मैडम सर, अगर ऐसा बात है ना तो एफआईआर हम आपको लाके देंगे और हम ये थाना बंद नहीं होने देंगे। आप तो रहने ही दीजिए, आप जो कारनामे करके आती हैं उसकी वाहवाई हमें सुननी पड़ती है। hey! इसलिए थाना भी हम ही बचाएंगे और एफआईआर भी हम ही लेकर आएंगे। सॉरी टू इंटरप्ट मैडम सर, पर आप दोनों का एक ही एम है तो आप दोनों कोशिश कीजिए ना, मेन मुद्दा तो थाना बचाने का है ना, एक से भले 2। वैसे बात तो सही है, मुद्दा तो थाना बचाना ही है,
एक से भले दो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।